हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये हमारा एक्सेल सीरीज़ का वीडियो है और आज इसमें एक बेहतरीन चीज़ हम सीखने जाएंगे जो कि इंटरव्यू के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज अ बिगिनर या एज अ प्रोफेशनल भी जा रहे हैं, तो इस जो मैं टॉपिक आपको सिखाने वाला हूँ, इस टॉपिक का इंटरव्यूअर आपसे कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है या आपसे प्रैक्टिकल जब वो करवा के देखेगा तो उस प्रैक्टिकल में वो आपसे इसका लिंक करके कुछ ना कुछ पूछ सकता है। तो आइए चलते हैं एक्सेल पर और जानते हैं इस टूल के बारे में। फ्रेंड्स, देखिए, हमें ये जो टूल है, जिस टूल के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, वो हमें फॉर्मूलाज टैब में हमारा कैलकुलेशन जो हमारा ग्रुप होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रुप होता है हमारा फॉर्मूला डेटा का, जो हम कहते हैं कि हमारा फॉर्मूला और डेटा एक्सेल के अंदर मेन हमारे दो टैब होते हैं जो कि हर एक बिगिनर को, हर एज अ जो प्रोफेशनल काम कर रहा है उसको आना ही आना चाहिए। तो इन दोनों टैब में हमारा जो कि ग्रुप है कैलकुलेशन ग्रुप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि थियोरेटिकल तो इंटरव्यूअर इससे कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल में वो आपको कुछ ना कुछ इसमें से क्वेश्चन जरूर पुट ऑन करेगा कि आप किस तरीके से उस फिर इस कोई भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे देगा आपको कि उसका सोल्यूशन आप किस तरीके से फाइंड अप करते हैं। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं ये ग्रुप हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये होता क्या फ्रेंड, इससे हम एक्सेल में कैलकुलेशन ऑटोमेटिक और मैनुअल, हमारे पास यहाँ पे दो सबसे मेन ऑप्शन होते हैं। जब भी हम कैलकुलेशन ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें दो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे टूल होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है और दूसरा मैनुअल होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अब यहाँ पे देखिएगा कि अभी ये मेरा ऑटोमेटिक क्या हुआ है, मैंने अब देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पे दो संख्या यहाँ पर लिखता हूँ और मैं इनका ऐड करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक मेरे को सब मिल गया। अगर मैं यहाँ पे आके इसमें चेंज करता हूँ, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही है क्योंकि एक्सेल के अंदर हमने कैलकुलेशन जो ग्रुप है उसमें जाके हमने ऑटोमेटिक पर टिक किया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि आप की जो भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक होगी, उसमें आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मल लगाना है और जो भी आपको सैलरी सेलेक्ट करना है और आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट शीट लें यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर अगर हम चाहते हैं इनको ऐड करने का, ये देखिएगा वो ऐड इक्वल मैंने फॉर्मूला शॉर्टकट की होती है सम की, लगा यहाँ पर हमको इसका जो सम है वो मिल गया। बट अगर मैं कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके यहाँ से कर दूँ मैनुअल, क्या क्या मैंने मैनुअल कर दिया, अब देखेगा अब मैं यहाँ पर कुछ भी संख्या डाल रहा हूँ, कुछ भी डिजिट अब ऐड कर रहा हूँ, मेरे को वहाँ पर इसका आंसर नहीं मिल रहा। ये देखें, मेरे को उसका आंसर नहीं मिल रहा है, ये देखें मेरे को उसका आंसर नहीं मिल रहा। अगर मैं नेक्स्ट शीट पर जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन में हमने जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है वो हमने मैनुअल कर दिया। मींस कि जब तक हम एक्सेल को बोलेंगे नहीं कि कैलकुलेट करो, तब तक एक्सेल हमें कैलकुलेट करके हमारा रिजल्ट हमें नहीं देगा। तो इंटरव्यू में किस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है कि सपोज करो इंटरव्यू लेने वाले ने आपको यहाँ पर इसको मैनुअल कर दिया और आपको ये इसके बारे में नहीं पता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि मैनुअल में हम एक्सेल को किस तरीके से बोलते हैं कि अब कैलकुलेशन करो। तो हमारे पास इस ग्रुप के अंदर दो टूल होते हैं, एक तो होता है कैलकुलेट नाउ और दूसरा होता है कैलकुलेट शीट। अगर देखो अभी मैंने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है लेकिन मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला, जैसे ही मैं कैलकुलेट शीट पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे तुरंत मुझे एक्सेल ने मेरे डिजिट का कैलकुलेशन करके मुझे आंसर दे दिया। क्या कैलकुलेट शीट पर क्लिक करने से मेरा नेक्स्ट शीट का डेटा भी कैलकुलेट हुआ है, वो चेक कर लेते हैं, ये नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं दोबारा करता हूँ शीट पर कैलकुलेट शीट तो हुआ है। मीन्स अब डिफरेंट समझिए, अगर हमें हमारे एक्सेल की वर्कबुक के अंदर सपोज 10 हमें एक्सेल की सीट पे हमने काम कर रहे हैं और मैंने कैलकुलेशन का ऑप्शन है वो मैनुअल कर रखा, अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसी सीट पर जो भी मैंने अपडेट किया है एक्सेल मुझे उसको सम करके दे, मतलब उसको कैलकुलेट करके मेरे को रिजल्ट दे, बाकी की सीट पर जो भी मैंने चेंज किया उसका मेरे को रिजल्ट ना दे, तो हम यूज करेंगे कैलकुलेट शीट। मीन्स दूसरी भाषा में बोलूं कि अगर आपको सिर्फ इसी शीट पर ही कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है तो आप यूज करोगे कैलकुलेट शीट का। मैं यहाँ पे दोबारा चेंज कर देता हूँ, आप एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, और मैं नेक्स्ट शीट पर जाके भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आंसर मुझे नहीं मिला। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट नाउ पर करता हूँ, जैसे कैलकुलेट नाउ पर मैंने क्लिक किया तो मुझे इस शीट पर इसका सोल्यूशन मिल गया। अब मैं सीट वन में चेक कर लेता हूँ और मुझे इस सीट पर भी इसका सोल्यूशन मिल गया। आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कैलकुलेट शीट का और कैलकुलेट नाउ का। मीन्स
कैलकुलेट नाउ, जितने भी आपके वर्कबुक के अंदर शीट आपने ऐड की हुई है हर शीट पे आपके कैलकुलेशन को परफॉर्म करके आपको वो रिजल्ट दे देगा। अगर कैलकुलेट शीट करते हैं तो आप जिस शीट पर एक्टिव हैं उसी शीट पर आपकी डिजिट का कैलकुलेशन करके एक्सेल आपको उसका रिजल्ट देगा। तो कुछ इस तरीके से यूज होता है कैलकुलेशन नाउ कर कैलकुलेट शीट का। अगर आप चाहते हैं कि ये मैनुअल ना करना पड़े तो आप सिंपल जाके ऑटोमेटिक कर सकते हैं, यहाँ से दोनों ऑटोमेटिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक कर देंगे। अब मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूँगा मुझे रिजल्ट उसका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सीखा उसमें कि कैलकुलेशन ग्रुप का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और एक्सेल में कि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास ग्रुप हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर के अगर हम वे से देखें तो ये बहुत ही मस्ट है। तो अगर ये फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी हो तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें और करवाइए और सब्सक्राइब की धूम मचा दीजिए इस चैनल पर, ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सीखने को मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।